हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉम ट्रैवलर्स। आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं मेरी बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन की फूड वीडियो दिखाऊंगी। जी हाँ, कैप्शन से तो आपको पता चल चुका है कि मैं टॉप 5 प्लेसेस दिखाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए अगर जब आप दार्जिलिंग जाते हैं। दार्जिलिंग के ट्रिप के दौरान आपको प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, पर ये वीडियो स्पेशली है कौन सी जगह आपको जानी चाहिए सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए या फिर ब्रंच के लिए। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं मेरे साथ इस वीडियो की एक्सपीरियंस को। मेरी पहली स्पॉट है दार्जिलिंग में द वेरी पॉपुलर फूड जॉइंट केवेंटर्स। हु कैन एवर थिंक अ दार्जिलिंग ट्रिप विदाउट अ विजिट ऑफ केवेंटर्स? आहा, नॉट फॉर मी फॉर श्योर। दिस प्लेस सर्विंग इट्स लेगेसी सिंस 1911। दिस हेरिटेज कैफे वॉज फाउंडेड बाई एडवर्ड केवेंटर्स एंड मार्क्स हिज प्रेजेंस फॉर द लिप स्मैकिंग मीट लवर्स पैराडाइज ऑफ मीट प्लेटर। सुबह सुबह यहाँ पहुँचना जरूरी है क्योंकि टूरिस्टों की लाइन इतनी होती है कि आपको काफी टाइम वेस्ट करनी होगी, नहीं तो वेट करते करते। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग ट्रैवलर्स क्यू आउटसाइड टू गेट अ सीट ऑन द रूफटॉप, मुझे फिलहाल व्यू से ज्यादा खाने में इंटरेस्ट है। Yes, this is the view, open rooftop, जहां backdrop में कंचनजंगा clock tower gives you the nostalgia of iconic silver screen frame. Morning is the best time to visit here. High chances of getting clear sky and beautiful view of the entire range. और अंदर की भी सिटिंग काफी सिंपल और अच्छी है। केवेंटर हैव टू सेक्शंस नाउ, द ओरिजिनल वन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर फ्लोर एंड दिस वन इन द राइट साइड विद न्यू डेकोर एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इन द रीसेंट टाइम्स केवेंटर गॉट अ न्यू नेम बाय द मैनेजमेंट, अभी इसको कीव्स कहते हैं, बट आई प्रेफर कॉलिंग इट केवेंटर्स। दिस प्लेस विल ट्रांसपोर्ट यू टू द ओल्ड चार्म वाइब। यहाँ की मेन्यू इतने सालों में बदली कुछ नहीं है एंड दैट्स मेक्स देम स्पेशल। ब्रेकफास्ट में जब आए हैं दार्जिलिंग में, सो दार्जिलिंग टी ऑर्डर करना तो जरूरी है, और दार्जिलिंग टी जो प्रेफर करते हैं दे नो द क्वालिटी एंड टेस्ट इज समथिंग यू कांट कंपेयर। नेक्स्ट ऑर्डर जो आप जरूर कीजिएगा वो है उनका फेमस हॉट चॉकलेट। ब्रेकफास्ट आइटम यहाँ की फेमस है और उनमें से एक रेकमेंडेड डिश है ये एग सैंडविच। बहुत ही यमी है, फ्लेवर्स आर सिंपल येट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैंडविच समटाइम टेस्ट अमेजिंग। मस्ट 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 ऑर्डर आइटम इन केवेंटर इज देयर मीट प्लेटर। डू नॉट मिस आउट दिस मीट प्लेटर, नॉट द हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ ब्रेकफास्ट दो, बट ऑन हॉलीडेज यू कैन हैव अ चीट डे। बट आई प्रेफर हैविंग देयर ट्रेडिशनल प्लेटर विच इंक्लूड्स रोस्टेड बेकन, इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी, शेयरिंग इज अ मस्ट ओवर हियर। सो केवेंटर्स और कीव्स, व्हाटएवर यू प्रेफर कॉलिंग इट, बट व्हाइल विजिटिंग दार्जिलिंग अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इन दिस आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन इज अ मस्ट। मेरी इस वीडियो की सेकंड स्पॉट है ग्लेनरीज। जब केवेंटर्स गए हैं ग्लेनरीज भी मिस नहीं करनी चाहिए। आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ दार्जिलिंग, वेल सर्विंग ओवर 100 इयर्स, ग्लेनरीज इज अराउंड सिंस ब्रिटिश राज एरा। Though I am not a fan of their continental food in their restaurant, but I am their fan in their confectionery and breakfast section. They have 3 sections. Ground floor mein bakery hai, basement mein pub hai, aur first floor mein multi cuisine restaurant hai. Confectionery maintained almost the same menu for more than a century. Mostly things here unchanged. Glenary has the best confectionery. The morning is especially the best time to visit here. You'll get the freshly baked things out of the oven. The entire place remains full of aroma of the freshly baked goodies. From the original menu, it is still being served to the customer. Items like chocolate eclairs, lemon tarts, chocolate roll, jam donuts are some of the items. The entire interior of this place is decorated in a Victorian style with black and white theme. The interior is amazing. I prefer to sit outside though. On a clearer day, you can spot the whole range of Kanchenjunga from here. Again, subah subah yahan pe bhi aana zaruri hai. As you can see, yahan pe kitni rush hoti hai. मैं हमेशा आपको ग्लेनरीज की बेकरी एंड ब्रेकफास्ट ट्राई करने के लिए रेकमेंड करूंगी, बट इनके रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस मुझे हमेशा ही एवरेज लगते हैं, ओवर प्राइस लगते हैं एंड ओवर हाइप लगते हैं। पहले ऑर्डर हमने एज यूजुअल दार्जिलिंग टी किया है। अगर दार्जिलिंग आए हैं तो दार्जिलिंग टी हमेशा आपको ऑर्डर करनी चाहिए। चाय की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, नो वंडर दार्जिलिंग टी इतनी फेमस है वर्ल्ड वाइड। ब्रेकफास्ट में ग्लेनरीज की होममेड ब्रेड की सैंडविच जरूर ट्राई करना बनता है। You will love it. Quantity भी काफी अच्छी खासी है। Perfectly toasted bread. One portion of bread is more than enough for a person. और एक ग्लेनरीज की पॉपुलर आइटम दैट यू मस्ट ट्राई इज देयर ब्रिटिश स्टाइल मीट प्लेटर, विच कम्स विद फ्राइड एग, सॉसेजेस एंड बेकन। Absolutely lip smacking item here. Even quality of sausages is too good. But quantity मुझे थोड़ी सी कम लगती है यहाँ पे as usual. Glenarys is one of the finest breakfast places in Darjeeling.
well known for their breakfast bakery still uses old recipe till date. For us, Glenarys is an experience just like the Coventers. For all the Darjeeling travelers, a visit to Glenarys is a must. Our third recommended spot for breakfast in Darjeeling will surely be Sonam's Kitchen. A short walk uphill from Chaurasta will lead you to this tiny, cozy, hidden gem breakfast place. This place is run by a Nepali couple and have been serving breakfast and dinner to its loyal customer for more than 20 years. Sonam's Kitchen holds a special place in my heart. Sonam Dey is generous and hospitable, and so her husband. Their true and honest attempt making their customer happy is beyond any comparison. I can't compare their hospitality with any other professional places in Darjeeling. The interior is simple and everything is here is maintained by the couple. Aap Tripoto jaise website mein inke reviews padh sakte hain. Not only Indians, foreigners bhi yahan pe bahut frequent visitors hain. For their breakfast, they only serve egg items. Dusri non-veg items yahan pe nahi milengi. Menu short and simple hai, aap pause karke sahi se dekh le. सोनम दी के हाथ की ये जिंजर हनी लेमन टी आप जरूर ट्राई करें। आई हैड रियली बैड कोल्ड एंड शी रिकमेंडेड मी टू ट्राई दिस। ट्रस्ट मी गाइज, इट वॉज सो सूदिंग फॉर मी एंड फॉर माई थ्रोट। द जिंजर हनी लेमन फ्लेवर वॉज स्पॉट ऑन। ठंडी के मौसम में इट्स अ मस्ट हैव आइटम। देयर मस्ट हैव आइटम में से और एक आइटम है ये ब्रेकफास्ट प्लेटर, विच इंक्लूड्स हैश ब्राउन, फ्राइड एग्स, टोमेटो एंड चीज। हैश ब्राउन इतनी क्रिस्पी एंड फ्लेकी है, एग के साथ ये कॉम्बिनेशन आपको अमेजिंग लगेगी। इनके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स शायद इनके हर एक डिश को इतनी अच्छी एंड स्पेशल बनाती है। और सबसे अच्छी बात है, इनकी क्वांटिटी के साथ इनकी प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है। सोनम किचन में ये डिश ऑब्वियसली अ मस्ट हैव। दूसरी ब्रेकफास्ट आइटम यू मस्ट ट्राई ओवर हियर इज देयर बनाना पैनकेक विद नट्स, रेजिन एंड हनी इज ड्रिजल ओवर द पैनकेक। वन ऑफ द बेस्ट पैनकेक आई हैव ट्राइड। इतनी फिलिंग और फ्लफी पैनकेक्स, जस्ट परफेक्ट। आउटर कोटिंग इज बिट क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, इवन नॉट सो स्वीट। मुझे प्रेजेंटेशन भी बहुत ही पसंद आई। बनाना की स्वीटनेस, नट्स और रेजिन की कॉम्बिनेशन फ्लेवर प्रोफाइल को अपलिफ्ट करती है। इट्स अ मस्ट हैव आइटम ओवर हियर। सो ये थी मेरी सोनम किचन्स की ब्रेकफास्ट टूर। यहाँ खाना, लोग, पॉकेट पिंच सभी सही है। मेरी इस ब्रेकफास्ट टूर की फोर्थ स्पॉट है कैफे हाउस। सिचुएटेड इन द रूफटॉप ऑफ होटल रिट्रीट, कैफे हाउस वाज इनॉग्रेटेड बाय वेस्ट बंगाल सीएम इन 2022। कैफे हाउस इज एन इंस्पायर्ड वर्शन ऑफ कोलकाता आइकॉनिक लेजेंडरी कॉफी हाउस। पीपल विजिट द प्लेस फॉर इट्स रेंज ऑफ कॉफी एंड फूड ऑफरिंग। The ambience is soothing and the entire range of Kanchenjunga can be seen from the rooftop. And it is one of the finest spot in Darjeeling to enjoy coffee with picturesque surrounding of Lebong Tea Estate. And by the way, you can follow us on Instagram and Facebook for our daily updates. And if you're liking this video, a subscribe to the channel will be so awesome for me. This cafe has a concept of slow eating and enjoying your meal with your companion. So there's a plenty of books to choose from as they offer here. I really like the interior, one of the few places in Darjeeling which is so on point in terms of interior decor and aesthetics. यहाँ मेन्यू QR स्कैन करके देखनी होती है और यू कैन चेक द मेन्यू इन देयर ओन कैफे हाउस वेबसाइट। माई फर्स्ट ऑर्डर ट्राइंग देयर दार्जिलिंग टी, क्वालिटी ऑफ द टी इज रियली गुड, नो कम्प्लेन्ट्स एट ऑल। My second order is the ginger honey lemon tea, not like the Sonam's Kitchen ginger honey lemon tea. It's pretty basic in taste. I personally didn't like too much kyunki bahut hi meethi thi. Aap chahe to ise skip kar sakte hain. I am having my breakfast with their famous chili cheese toast. They offer sandwich also, but I really wanted to try their chili cheese toast. People who prefer veg breakfast is one of their options here you can try. Flavor of the chili cheese toast was on point. Even the quality of the cheese they used is really good, so the flavors are actually amazing. My fifth and last recommended spot for breakfast in Darjeeling will be Himalayan Cafe. Hidden away on the second floor, this coffee shop is one of a kind in Darjeeling. Offer all day breakfast option. It's a contemporary coffee shop with a wall art depicting Himalayan images.
The window seats offers the sight of the hustle and bustle of the mall road. It's a modern shop with neat wooden table, stools and chairs. On the main table lies the set of journals for coffee lovers to scribble their comments or doodle their illustrations. Here is the menu. There is a wide range of coffee and tea options over here. They even have a variety of pies, pastries and cakes. Breakfast is served with different range. Kindly pause the video to see the prices and items named properly. But I am more interested in the bakery items. Won't be indulging into the mainstream breakfast menu. Pricing in the menu ranging from 90 rupees to 385 rupees. My first order is my constant companion, a cup of Darjeeling tea. बहुत ही अच्छी बनी है, even presentation भी मुझे बहुत ही अलग लगी दूसरे जगहों से. My second order is a herbal tea called blue tea. A squeeze of lemon will change the color to purple. Taste wise मुझे लगी ये flavor थोड़ी earthy and woody kind of है, almost similar taste of a green tea. It's a must try over here. And another item we tried, their hot chocolate looks so amazing, garnished with whipped cream and chocolate sauce. On cold winter morning, this hot chocolate is a must over here. I really liked it, highly recommend you to try it. मैंने ब्रेकफास्ट स्किप करके आई एम गॉर्जिंग ऑन देयर बेकरी आइटम सच एज ब्लूबेरी चीज केक. आई रियली लव्ड इट. फ्रेश चीज केक एंड ब्लूबेरी फ्लेवर्स आर सो ऑन पॉइंट. इट्स अ मस्ट ट्राई आइटम ओवर हियर. लास्ट आइटम मैं ट्राई कर रही हूँ इज देयर चोको वॉलनट ब्राउनी. ब्राउनी टेंड्स टू गेट ड्राई बट इट वॉज सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. पता चल रहा है दैट दे आर मेकिंग इट फ्रेश एवरी डे. इट्स अ मस्ट ट्राई आइटम बट अपार्ट फ्रॉम बेकरी दे हैव फुल ब्रेकफास्ट ऑप्शन यू कैन ट्राई हियर. सो डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन हिमालयन कैफे. आई होप आपको ये टॉप 5 प्लेसेस अच्छी लगी होगी. ग्लेनरीज केवेंटर्स के बारे में तो सभी कोई जानते हैं बट जो 3 हिडन जेम्स मैं आपको दिखाई हूँ जरूर जाके वो एक्सपीरियंस कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा. सो इस वीडियो में इतना ही था. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. टेक केयर.